अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे आप लोग देख सकते हैं, आज हमने बैंगन अंडे की करी बनाई। चलिए इसकी रेसिपी आप लोग से शेयर करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे प्याज, अदरक और लहसुन का हमने यहाँ पे पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे हमने 3 टमाटर कट कर लिए हैं और खोपरा ले लिया था। यहाँ पर 4 से 5 बैंगन और थोड़ी सी आलू कट कर लिए हैं, 2 आलू। यहाँ पर 8 अंडा ले लिए हैं। चलिए इसके हम सारा पेस्ट इसका बना लेते हैं। ये देखिए, हमने इसका इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती, टमाटर और खोपरा अच्छा पीस के इसका पेस्ट बना लिए। पूरा इसका पेस्ट बनाकर हम रख दें। फिर हम जो अंडा था उसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे पूरा। ये देखिए, हम जो अंडा था उसको हम अच्छे से फ्राई कर लें। जो हमारे आलू थे उसको भी हम फ्राई कर लेंगे, गोल्डन फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारे आलू कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आलू थे उसको हमने अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया। अब छोटे साइज का हमने कुकर लिया, उसमें 3-4 स्पून टेबल ऑयल डाले। उसमें थोड़ी सी हमने आधी चम्मच तक मेथी ऐड डाली है। उसको अच्छे से थोड़ा सा हमारी मेथी और ब्राउन हो जाए, तब इसमें जो हमने प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट बनाकर रखी थी उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। उसको अच्छे से हम पकाएंगे, हमारा जो मसाला थोड़ा सा पक जाए। तब इसमें हमने 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच हम यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किए हैं। यहाँ पर 2 चम्मच हम नमक ऐड किए हैं स्वाद अनुसार। ये सारे मसालों को हम डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करके स्लो फ्लेम पे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ी देर हम भूनेंगे। ये देखिए, हमारा जो मसाला अच्छे तरह पक चुका है, ऑयल भी छोड़ने लगा है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा मसाला अच्छे से, अब इसका अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इसमें हम जो अपना आलू रखे हुए थे गोल्डन करके फ्राई करके, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको डाल के इतने, इसमें जो हमारे अंडा था उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, हम ये अंडा भी इसमें डाल देंगे। और जो हमारा बैंगन था, यहाँ पे 6 से 7 हम यहाँ पे बैंगन है, तो उसको अच्छे से चाकू से थोड़ा सा कट कर लिए बीस बीस से, ताकि जो मसाला बैंगन में अच्छे से मिल जाए। सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। मिक्स करके जब हम अपने ये अदरक पेस्ट बनाए थे टमाटर का, उसका हम इसमें डाल देंगे। उसको अच्छे से मिक्स कर थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको प्रेशर के लिए रख देंगे। ये देखिए, हमारा जो अंडा बैंगन की करी थी वो बन के तैयार हो चुकी है। अगर आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।